नमस्कार दोस्तों, पगार बुक YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति। क्या आप भी अपना व्यापार ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि इसकी शुरुआत कैसे करें? तो आज की ये जानकारी आपकी बहुत काम की हो सकती है। आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि कैसे आप Amazon और Flipkart जैसी बड़ी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनकर अपने प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। चलिए अब समझते हैं शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आपको इन दोनों बड़े प्लेटफॉर्म्स पे अपना सेलर अकाउंट बनाना होता है। इस बात की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं। इन दोनों प्लेटफॉर्म की दूसरी बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे हर तरह के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी है। फिर आपके प्रोडक्ट्स चाहे फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या इलेक्ट्रॉनिक। आगे की जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो के प्रस्तुतकर्ता हैं पगार बुक, जो कि है स्टाफ का हिसाब रखने के लिए भारत का बेस्ट ऐप। आप जानते हैं कि कौन सी फॉर्मेलिटीज और कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे इन दोनों प्लेटफॉर्म पर खुद को सेलर के फॉर्म पे रजिस्टर करने के लिए। आपको एक पैन कार्ड की जरूरत होगी, साथ ही GST रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 20 लाख तक सालाना व्यापार करने वाले बिजनेसमैन को GST नंबर लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन Amazon और Flipkart जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते समय आपको GST नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। शुरुआत में सेलर अकाउंट बनाते समय आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना होता है। जब आपका बिजनेस इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब आप करंट अकाउंट के जरिए भी ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। इस तरह से सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट की अच्छी सी फोटोज लेकर उसे अपने सेलर अकाउंट में जाकर लिस्ट करना होता है। लिस्ट करते समय कीवर्ड बहुत सावधानी से डालने चाहिए। जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आप एक इनवॉइस प्रिंट करके निकालते हैं और उसे अपनी पैकिंग के ऊपर लगाते हैं, जिसे फ्लिपकार्ट और Amazon के सर्विसमैन आपके एड्रेस से पिक कर लेते हैं और आपके कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अगर हम प्राइस स्ट्रक्चर की बात करें तो क्योंकि आपने GST नंबर भी ले रखा है, ऐसे में जो भी आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस तय करते हैं उस पर उस प्रोडक्ट के हिसाब से ही GST लगाया जाता है और उसके ऊपर Amazon और Flipkart का कमीशन भी जोड़ा जाता है। इस तरह से प्रोडक्ट की प्राइस तय होती है। जब आपका प्रोडक्ट बिक जाता है, उसके 7 दिन के बाद आपको आपके प्रोडक्ट की प्राइस उनका कमीशन काट कर GST सहित आपके खाते में पहुंचा दिया जाता है। बस इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग Amazon और Flipkart जैसे वेबसाइट पे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी तरह की कुछ खास जानकारियों के साथ। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें।